आप हमारे विचारों को फैलाने में विशेष तत्परता रखें। गुरुदेव का अपने अंग अवयवों से पत्र स्नेह। मित्रों, पूज्य गुरुदेव अपने साधकों से कहा करते थे कि अपने प्रत्येक दिन को कार्यक्रम की तरह मानकर कार्य करें। अपनी तत्परता, कर्मठता, मानसिकता और तन्मयता को वैसे ही बनाकर रखें जैसे कि विशेष अवसर पर रखा करते हैं। आज के इस पत्र में गुरुदेव ब्राह्मणोचित जीवन साधना पर गर्व की बात कर रहे हैं। यह ब्राह्मणोचित जीवन की साधना किस प्रकार की जाए, आइए जानते हैं आज के इस पत्र के माध्यम से गुरुदेव का अपने अंग अवयवों से पत्र स्नेह। दिनांक 10 जनवरी 1964। हमारे आत्मस्वरूप पत्र मिला, कुशल समाचार पढ़कर प्रसन्नता हुई। दाल की बोरी एक दो दिन में आती ही होगी। रेलवे रसीद प्राप्त हो चुकी है। हवन सामग्री तथा अन्य मंगाई हुई वस्तुएं 2-3 दिन में भेज दी जावेंगी। सामग्री समाप्त हो गई है सो बन रही है। यों हर वर्ष ही आप अखंड ज्योति के सदस्य बढ़ाने में विशेष तत्परता रखते हैं, पर इस वर्ष उसके लिए कुछ और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। 24वें वर्ष की रजत जयंती में उस सारे क्षेत्र में 250 ग्राहक बन जावेंगे, ऐसी आशा है। इस वर्ष रचनात्मक कार्यक्रमों को विशेष प्रेरणा देनी है, इसीलिए अपना प्रभाव क्षेत्र अखंड ज्योति के माध्यम से अधिक विस्तृत बनाया जाना चाहिए। डबरा तथा ग्वालियर सभी जगह कार्यक्रम उत्साहपूर्वक चल रहे हैं, यह बड़े संतोष की बात है। आपका सत प्रयत्न अनेक आत्माओं में प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। इस आपकी ब्राह्मणोचित जीवन साधना पर हमें बड़ा गर्व है। वसंत पंचमी को रजत जयंती उत्सव आप मना ही रहे हैं, उपस्थित लोगों को हमारा अभिनंदन कहें। माता जी आप सबको स्नेह लिखाती हैं। श्री राम शर्मा। प्रियजनों, आप इस पत्र के वार्तालाप से समझ ही रहे होंगे कि गुरुदेव ने अपने साधकों से, बच्चों से कितनी आकांक्षा रखी है। सद्गुरुदेव की इच्छा का अपने शिष्यों से जुड़ना बड़े ही सौभाग्य का विषय है और इन आकांक्षाओं पर खरा उतरना उससे भी बड़े सौभाग्य का विषय है। हम सब सद्गुरुदेव के बताए मार्ग पर चल पाएं, उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरे, ऐसी शक्ति और प्रेरणा हमें प्राप्त हो, यह प्रार्थना हम सद्गुरुदेव से करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।